पास जा रही हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नाजिर खान साहब सॉरी थोड़ा लेट आ रही हूँ आपके पास। मुझे ये तस्वीरें देखकर मुझे सिर्फ ये बताइए नाजिर साहब, ये तस्वीरें किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की या फिर किसी तरह के शक्ति प्रदर्शन की लग रही हैं आप? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं ये बात एज अ मुस्लिम नहीं कह रहा हूं, एज अ एक सिटीजन कह रहा हूं कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक पार्टी के प्रवक्ता ने, एक जाहिल मैं कहूंगा जाहिल औरत ने, नहीं इस तरह, सर 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 एक मिनट नाजिर साहब हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, जो कुछ हुआ किसी भी धर्म के खिलाफ अपमान के लिए भी यही भाषा का इस्तेमाल करिए, उन्होंने भी हम इस्तेमाल नहीं करते और ना ही हम प्लेटफॉर्म देते हैं, उस बात की बात नहीं। नाजिर साहब आज की तस्वीरों पर बात कर रहे हैं, आज की तस्वीरों पर बात यही है कि आज जो हालात प्लीज भाई इस वक्त जो देश के अंदर हालात है, चाहे वो देश के किसी कोने की भी बात हो, जो हालात है इसका अगर सबसे पहले कोई जिम्मेदार है वो देश की सरकार है। क्योंकि अगर किसी ने कोई अभद्र भाषा या डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी रिलीजन के प्रति इस्तेमाल किए थे, आज तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसीलिए तो आज मुसलमान रोड पे निकल के आया, चाहे उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया हो या पीसफुल का मतलब क्या होता है? अब एक बात बताइए, देश का कानून है भैया, ये भैया आग लगा रखी है पीसफुल, अरे मतलब नहीं पता पीसफुल का क्या होता है? गांधी जी को पढ़ लो, आपको सारा मतलब पता है, आपको सारा मतलब पता है पीसफुल का मतलब? पीसफुल देखिए, पीसफुल का मतलब देश के मुसलमान, हंगामा जीरो, जीरो नो हंगामा। एक सेकंड, इनको चुप कराइए पहले, पीसफुल नहीं है, इनको चुप कराए पहले, मैंने पहले ही बोला ना, आपने बोला तो क्या मतलब, गलत बोलोगे तो जवाब मिलेगा ना, गलत ना क्या होता? शांत रहिए क्या भाई, क्या देश के मुसलमान पिछले 10 दिन से, देश की एक कम्युनिटी पिछले 10 दिन से एफआईआर की डिमांड नहीं कर रही है, गिरफ्तारी की डिमांड नहीं कर रही है, उनकी ना सुन के प्लीज पहले बात तो सुनिए, वकील अच्छा ठीक है, एक मिनट आप शांत, ठीक है मैं एक बार मैं नाजिर खान का, नाजिर खान साहब के पास, ठीक है पता भाजपा एक मिनट देखिए, मैं मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है एक एक करके बात करेंगे तो बात अच्छी तरह से जाएगी। हाँ नाजिर साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो तस्वीरें आ गई, क्या हम लोग सब देश के कानून में, कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं रख सकते हैं क्या? कानून से तो पिछले 10 दिन से देश के मुसलमान डिमांड कर रहे हैं कि इनको 295A के तहत 153A के